सो आपको क्या लगता है कि कौन सी बाइक विनर होने वाली है? देखो इसमें हजार लाइट चल रहा है, ये रहा नाइट्रॉक 125 और इसके जस्ट बगल में है पल्सर 125। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो और देखते हैं कौन सी बाइक विनर होने वाली है। ज़्यादा आई कैचिंग कौन सी बाइक लग रही है, पल्सर या इंटॉर्क? 91, पता नहीं इसका टॉप स्पीड कितना है, अमन तो काफ़ी आगे गया है। 94 के आगे जा ही नहीं रहा। ओ माय गॉड, 96, खत्म, टाटा बाय बाय। अरे राइडर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, राइडर्स आर बैक। तो आज देखो हमारे फैमिली मेंबर में कौन सी दो बाइकें खड़ी हैं। एक है आपका नाइट्रॉक 125 एंड सेकंड है आपका पल्सर 125 सीसी। आज इन दोनों के बीच में एक ड्रैग बैटल करने वाले हैं, बिकॉज दोनों की सीसी सेम है, ये भी 125 सीसी है और सामने वाले भी 125 सीसी है। सो बात करते हैं अभी आपका TVS नाइट्रॉक के बारे में। TVS नाइट्रॉक, इसमें आपका 5-6 वेरिएंट आता है, पर ये वाला जो वेरिएंट है वो है रेस एडिशन वाला वेरिएंट। और बात करते हैं TVS नाइट्रॉक के पावर फिगर के बारे में, ठीक है। तो ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है 9.25 BHP और इसका RPM है 7000 और ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है 10.5 न्यूटन मीटर 5500 RPM के साथ, ठीक है। और बात करें इसके कलर वेरिएंट के बारे में, तो भाई मेरे को तो 125 cc में ये सबसे बेस्ट कलर लगती है। बाकी रेस एडिशन है ब्लू और आपका ग्रे का थोड़ा सा ग्राफिक्स है। सबसे अच्छी बात इसमें आपका दिखाते हैं इसका मीटर, इसका मीटर बहुत सेक्सी है। इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाता है, पहले इंडिकेशन मिल जाएगा आपका हेलमेट का, बाकी ये तो रेस मोड किया हुआ है, स्पोर्ट्स मोड किया हुआ है। इसमें दिखाते हैं आपको कितने सारे मोड मिलते हैं सबसे, ठीक है। बाकी सेकंड चीज़ है इसका राइड स्टेट्स लैप, ये मेरे काम का चीज़ है नहीं। अभी अपन ने इसको 101 का टॉप स्पीड भगाया, मतलब अपाची के हर एक बाइक में ये सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि अगर आप किसी को बाइक देते हो तो पता चल जाता है कि सामने वाला आपकी बाइक को कितना टॉप स्पीड ले गया है। और लास्ट है आपका राइड स्टेट्स बेस्ट लैप, ये मेरे ज़रूरत का काम का है नहीं। तो अपन इसको रखेंगे स्ट्रीट मोड पे, स्पोर्ट्स मोड पे सॉरी। तो इसको लगा देते हैं साइड स्टैंड पे। तो आज इसी का कंपैरिजन होने वाला है इसके साथ, बजाज पल्सर 125। ये आपका BS7 मॉडल है, ठीक है। इसका भी एक बार मीटर देख लो आप, तो वही पुराना वाला मीटर जो बेसिक चलते आया है उतने दिन से वही चल रहा है, कुछ अलग नहीं है। बाकी मेरे को एक चीज़ करना है कि अगर अपाची वाले TVS में यार इतने सारे मोड्स दे रहे हैं जो यूज़फुल नहीं है, मेरे को भी पता है, पर रहता है तो आदमी को लगता है कि यार चलो वैल्यू फॉर मनी है, तो इसमें भी देना चाहिए, मतलब कुछ ही कुछ मोड्स दे दो यार, ताकि आदमी को भी अच्छा लगे कि हाँ मोड्स है कुछ। सो ये पल्सर 125 प्रोड्यूस करती है मैक्स पावर 11.64 BHP और वो प्रोड्यूस करती थी आपका 9.25 BHP, मतलब BHP काफ़ी ज़्यादा है इसका। और टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये 10.8 Nm 6500 RPM के साथ। और ज़्यादा आई कैचिंग कौन सी बाइक लग रही है, पल्सर या इंटॉर्क? अगर मैं सही सही बताऊं तो इंटॉर्क ज़्यादा आई कैचिंग लग रही है पल्सर के मुकाबले। इंटॉर्क में आपको हैजार्ड लाइट मिल जाती है, ठीक है। बाकी वही देखो आपका ओल्ड स्कूल बजाज में कोई हैजार्ड लाइट नहीं मिलती। तरफ स्विच किए तो ये ब्लिंक करेगा, देखो ये एक तरफ स्विच किए तो ब्लिंक किया, एंड सेकंड अगर इधर स्विच किए तो ये ब्लिंक किया। बाकर आपको हैजार्ड लाइट ऑन करके बाइक को चलाना है रात को, तो उसके लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है, इसको ऑन कर दो। देखो दोनों तरफ का ब्लिंक कर रहा है, अब देखो हैजार्ड लाइट वो जल रहा है। और अगर आपको चाहिए कि टर्निंग पे बस एक लाइट जले तो इसको पहले ऑफ करो और इधर से देखो करो, एक तरफ का जल रहा है एक तरफ का नहीं जल रहा है, मतलब कि इस मॉडिफिकेशन में आपका पैसा बचने वाला है। और ये यार 125 cc की बाइक में भी देना चाहिए हैजार्ड लाइट वाला, जब यार स्कूटी प्रोवाइड कर रही है तो फिर बाइक क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकती।
और कमेंट करो यार विच बाइक या स्कूटी डू यू प्रीफर, इंटॉर्क 125 या आपका पल्सर 125। तो चलिए ट्रैको करते हैं सर और देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। सो आपको क्या लगता है कि कौन सी बाइक विनर होने वाली है? देखो इसमें हज़ार लाइट चल रहा है, ये रहा नाइट्रॉक 125 और इसके जस्ट बगल में है पल्सर 125। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो और देखते हैं कौन सी बाइक विनर होने वाली है। और ये फर्स्ट हम लोग के चैनल में ऐसा हो रहा है कि एक बाइक का कंपैरिजन एक स्कूटी के साथ कर रहे हैं। तो सर जो भी कर रहे हैं सब आप लोग के लिए कर रहे हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी चलिए फिर रेस को करते हैं जल्दी से स्टार्ट और देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। जो भी निकलेगा अच्छा ही निकलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं चलाने वाला हूँ भाई अभी TVS इंटॉर्क और मेरे साथ जो मेरा पार्टनर है अमन वो चलाने वाला है पल्सर 125। तो भाई मेरे से एकदम रहा नहीं जा रहा है। अब अपन करेंगे दोनों के बीच में एक अच्छा सा ड्रैग बैटल और आपको दिखा दे कि यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, नाइट्रॉक 125 रेस एडिशन। तो चलिए इग्निशन को करते हैं ऑन एंड रेस को करते हैं स्टार्ट। 64 से अबव जाना है और बाकी तुम ही ले गया तो 64। हाँ तो 64 यही ले गया है टॉप स्पीड, तो इसको भी बीट करना है और इसको भी बीट करना है। बाकी देखते हैं क्या होता है। स्ट्रीट मोड, स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे। और एक चीज़ और अच्छा है कि यहाँ पे कितने मिनट में अपन लोग कवर कर लेंगे एलिवेटेड वो भी चीज़ दिख जाएगा, बाकी किलोमीटर भी यहाँ पे शो कर जाएगा। मान लो तुम ही लो, आप ही जा, हम लेंगे तो बढ़ जा रहा है, इसका ब्रेक कमज़ोर है। रेडी 1 2 3। पता नहीं इसका टॉप स्पीड कितना है, अमन तो काफी आगे गया है। 94 के आगे जा ही नहीं रहा। ओ माय गॉड 96 हिट, खत्म, टाटा बाय बाय। अरे आ रहा है भाई, अबे आ गया फिर से। 96 के आगे जा ही नहीं रहा यार। TVS, तुम्हारे लोगों में घोड़ा है, तुम गधे की चाल क्यों चल रहे हो? लोगो रखे हो घोड़ा वाला, देखो यहाँ भी लोगो है। कम ऑन 9700 तो टच करना है यार किसी भी हालत में। 1.6 किलोमीटर, कम ऑन TVS, आगे 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 आगे, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। अब अपन थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाएगा, आ गया अपन। यस ब्रो 99, ओ हो 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 97 पे फिर आ गए अपन। यार काहे का स्पोर्ट्स मोड कुछ पता ही नहीं चल रहा, ये पल्सर वाला बार बार रुको, इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे अब। 97 बिन ड्रैग इसको लेने तो अपन फायदा उठाएंगे। 101 मेरे को लगता है यार कि ये TVS में दम तोड़ दिया लगता है। 101 का नहीं जा रही है पल्सर, इधर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनाते हुए खत्म। TVS का साथ यहीं तक था घोड़ा। 99 कोई ऐसा नहीं है स्लोक जिसको पढ़ने के बाद तो एकदम TVS इन ट्रैक में ये पावर आ जाए कि बीट कर जाए। ओ आया 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 आया, अपन आए अपन आए, कम ऑन बस जितना है कैसे भी। फिनिशिंग लाइन बहुत करीब है अपने। 100 100 100 100, 99 99, TVS इंटॉर्क, अपन आगे। अरे पल्सर नहीं आया अभी तक, अबे पल्सर आ गया। आई मीन कि मेरे को लग रहा है कि ये पल्सर वाला खेल खेल रहा है। मॉम डैड गिफ्टेड है उसका पल्सर, इसका कौन गिफ्टेड किया है। सो फाइनली ड्रैग एंड। 125 सीसी कैटेगरी के हिसाब से मेरे को तो लगा कि पावर ठीक ठाक है, पर थोड़ा सा और होना चाहिए था। विंड ड्रैग बहुत ज़्यादा लग रहा था इसमें चेस्ट पे, और अगर हम पल्सर के पीछे रह के अगर
ड्रैग कर रहे थे तो 101 तक ये टच की, बिकॉज ड्रैग वो झेल रहा था तो मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा था। एक लैप तो हो चुका है, इधर से ज़्यादा विंड ड्रैग लग रहा था तो एक लैप और करेंगे, देखते हैं उधर से क्या रहता है। इधर से तो विनर हुई ये पल्सर 125 BS 7 एडिशन, इसको E20 एडिशन भी बोलते हैं। सो एक राउंड और करते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। सो हम आ चुके हैं पल्सर 125 बजाज की सबसे अच्छी बाइक जो कावासाकी को भी टक्कर दे सकती है आने वाले फ्यूचर में। और उधर रहा अपना TVS मतलब घोड़ा नाइट्रॉक स्पोर्ट्स, हाँ वो स्पोर्ट्स मोड पे ऑन है। तो चलिए फिर ड्रैग को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि कौन सी बाइक क्या कमाल करती है। तीन हॉर्न पे, ठीक है तीन हॉर्न पे निकलेंगे थोड़ी। TVS नाइट्रॉक आगे, अपन भी है 77 78। नाइट्रॉक ने अच्छा लिया है लॉन्च, मेरा प्रॉपर 5 का 5 गियर लग चुका है और अभी तक नाइट्रॉक आगे है 100 पे चल रहे हैं। पता नहीं इतना क्यों बिन क्लच लग रहा है। 105 104, आई थिंक अब ओवरटेक हो जाएगा इजीली बिकॉज माय गॉड 100 पे चल रही है नाइट्रॉक। मेरे को दिखा, मेरे को प्रॉपर दिखा 100 पे नाइट्रॉक चल रही है। फिर नाइट्रॉक ने आगे लिया, नाइट्रॉक आगे प्रॉपर, मेरे को स्लिपिंग करना पड़ेगा आई थिंक। सो अब लगता है कि इसके बाद फिर नाइट्रॉक नहीं दिखेगी। नाइट्रॉक प्रॉपर आगे रेस एडिशन के साथ, चलो यार बहुत आगे रह गया है। इतना ज़्यादा बिन ड्रैग लग रहा है इधर, हेड टू हेड का कॉम्पिटिशन। बाय बाय नाइट्रॉक, हो सके तो कल आना सुबह में, तुमसे मिलेंगे अच्छी तरीके से। अभी बात विचार नहीं कर सकते बिकॉज तुम अभी हार रही हो, तो हारे हुए आदमी से क्या बात विचार करना। नाइट्रॉक ने पूरा जोर लगा लिया है, देखो भाई आप लोग देखो, देख रहे हो नाइट्रॉक ये चल रही है 104 पे। थोड़ा सा टाइमिंग दे गया नाइट्रॉक को, क्या बोलती पब्लिक, चलो थोड़ा सा आने देते, थोड़ा सा आने देते यार। नाइट्रॉक आया 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 नाइट्रॉक 102, ओ माय गॉड। चलो अपन तो खुद 102 पे चल रहे हैं, नाइट्रॉक को थोड़ा सा आगे आने क्या दिए भाई, ये तो प्रॉपर आगे आया। इजीली ओवरटेक मैन, इजीली ओवरटेक। चलो माने कि वो तो पुरानी है, ये तो नहीं है, उसको तो और निकलना चाहिए था, पर काई को नहीं निकल रहे तुम। नाइट्रॉक 101 पे चल रहा है, मैंने देखा, क्या बात है अमन, बहुत जोर लगाए हो तुम, इसी तरीके का जोर। अमन अमन, और यहाँ पे अपन आराम से रेस को जीतते हुए। मतलब मेरे को लगता है कि लास्ट टॉप स्पीड इसकी यही है। अगर सर्विसिंग वर्विसिंग होगा तो आई होप कि 108 ट्रैक खत्म। मज़ेदार था, मज़ेदार ट्रैक था एकदम, अच्छा ड्रैग हुआ समाप्त। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हमारे चैनल पे कुछ नए देखने को मिला आपको TVS के साथ, देखो TVS के साथ कंपैरिजन बहुत लोगों ने किया है पर मैंने फर्स्ट टाइम किया है, तो मेरे को तो यार बहुत इंजॉयफुल लगा वीडियो करने में। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग को क्या लग रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे भी अब ये साल ख़त्म होने वाला है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो नेक्स्ट साल आपका भाई कुछ और अच्छी अच्छी वीडियोस देगा। आप लोग की तरफ से यार थोड़ा सा कम मोटिवेट मिलता है तो फिर मेरे को भी वीडियोस करने का मन नहीं करता। बाकी एक चीज़ और देख लो, बजाज का लोगो देखो यहाँ पे दिया हुआ है हेडलाइट के ऊपर, और TVS का लोगो यहाँ पे दिया हुआ है, TVS फॉर TVS। तो बस बजाज वर्सेस TVS नहीं था, एक
F1 ड्रैग रेस था कि नाइट्रॉक भी 125 cc है और आपका पल्सर भी 125 cc है, तो दोनों के बीच में एक अच्छा ड्रैग करके देखते हैं। बिकॉज जब भी आदमी ख़रीदता है तो एक माइंड में सवाल रहता है कि यार स्कूटी लेना ज़्यादा बेटर है या बाइक लेना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज दोनों तो 125 cc की कैटेगरी में ही आती है। तो आज अपन ने सब चीज़ क्लियर कर दिया इस वीडियो से। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए स्किप थ्रॉटल अप एंड जय श्री राम एंड जय बजरंगबली।